हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे नवंबर के थर्ड एंड फोर्थ वीक के बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस। नवंबर फर्स्ट और सेकंड वीक के जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो मैं आज ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और हाँ, आप लोग सबका बहुत ज़्यादा डाउट था कि IBPS PO के इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दी जाए या उस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको सारे टिप्स दे दूँगी इंटरव्यू के। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो उस मोबाइल ऐप को यूज़ करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय कर सकें। तो उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, NSE गो बिड। और ये जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च किया था SEBI के चेयरमैन जो हैं अजय त्यागी, इन्होंने ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO का नाम है विक्रम लिमाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द येस बैंक्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हु स्टेप डाउन विथ इमीडिएट इफेक्ट ऑन 15 नवंबर 2018। तो येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो हैं उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया था, तो उनका नाम क्या है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अशोक चावला। तो अशोक चावला जो कि येस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि इन पे कुछ करप्शन का केस लगा था। उसके बाद येस बैंक से अभी काफ़ी लोग रिज़ाइन हुए हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखना। सबसे पहले नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मैं बताई चुकी हूँ, अशोक चावला। उसके बाद येस बैंक के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि थे आर चंद्रशेखर, तो इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है अपना। उसके बाद येस बैंक की ऑडिट कमेटी के जो हेड थे जिनका नाम था वसंत गुजराती, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, येस बैंक के जो नए MD और CEO को सेलेक्ट करने की एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट थे जिनका नाम था OP भट्ट, इन्होंने भी इस कमेटी से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। OP भट्ट जो है वो SBI के चेयरमैन रह चुके हैं पहले। और एक और चीज़ कि येस बैंक के अभी CEO राणा कपूर ही है, लेकिन वो चेंज हो जाएंगे January 31, 2019 से। तो उसके लिए नए MD और CEO को सेलेक्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ हाउ मच रुपीज़ ऑन द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कम्प्लायंस विथ इनकम रेगुलेशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन एंड नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर कितने रुपीज़ का फाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने IRAC और नो योर कस्टमर नॉर्म्स जो है उनके साथ कंप्लायंस नहीं किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ₹3 करोड़। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके जो CEO हैं उनका नाम है परवेज अहमद। उसके बाद आपको एक और चीज़ साथ में ध्यान रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथ साथ जो डूशे बैंक है इस पे भी 3.01 करोड़ का फाइन लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये बैंक यहाँ का नहीं है, ये बैंक है जर्मनी का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च्ड अ क्रेडिट कार्ड नेम्ड नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटरेक्टिव कार्ड विथ बटन्स। तो इनमें से कौन से बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है जिसका नाम है नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, जो कि एक बहुत ही अनोखा क्रेडिट कार्ड है बटन्स के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने ये लॉन्च किया है नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स इन इंडिया रीच्ड हाउ मेनी करोड्स इन अगस्त 2018, मोर देन 3-fold इंक्रीज फ्रॉम अक्टूबर 2016। तो इंडिया के अंदर जो डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो कितने पहुंच गए हैं अगस्त 2018 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 244.81 करोड़। ये करोड़ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कैप वेंचर्स एन ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर एंड अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ SBI कैपिटल मार्केट्स लॉन्च फंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज टू रेज अ कॉर्पस ऑफ हाउ मैनी रुपीज़। तो SBI कैप वेंचर्स जो हैं उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए कुछ फंड दिया है, तो वो कितने का दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 4 बिलियन का। इसके साथ साथ उन्होंने दो चीज़ों में फ़ंड दिया है, तो एक तो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ 4 बिलियन का, उसके साथ एक दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को, वो दिया है 3.5 बिलियन का। तो ये दोनों आप ध्यान रखना।
Next question. Government of India, along with Government of Jharkhand, signed how much dollar loan agreement for Jharkhand power improvement projects to provide affordable electricity to citizens of Jharkhand? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि झारखंड में अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, $310 billion. तो इतने का लोन मिला है झारखंड की गवर्नमेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू इंट्रोड्यूस अ पर्सनल लोन स्कीम फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स थ्रू विच ₹50,000 टू ₹15 lakh पर्सनल लोन विल बी ऑफर्ड टू इंडिविजुअल्स अर्निंग अ मंथली सैलरी ऑफ अबव ₹15,000. तो देखो, इनमें से किसी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जो कि पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, उसने इंट्रोड्यूस करा है एक पर्सनल लोन स्कीम. ये जो पर्सनल लोन स्कीम है, ये जितने भी सैलरीड इंडिविजुअल्स होंगे जिनकी सैलरी पर मंथ ₹15,000 से ज़्यादा होगी, उनको लोन प्रोवाइड करेगी 50,000 से 15 लाख तक का. तो ये कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर में. सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको ध्यान होने चाहिए. तो ये लिस्ट है, इस लिस्ट से आप याद कर लीजिए इन सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विथ विच डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर टू ऑफर ऑनलाइन इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म? तो LIC ने इनमें से कौन से डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक पार्टनरशिप करी है ताकि जो भी इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है वो इस सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से जो कस्टमर्स हैं वो पे कर सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, Paytm. तो Paytm के साथ LIC ने ये पार्टनरशिप करी है. तो Paytm को यूज़ करके जितने भी कस्टमर्स हैं वो इंश्योरेंस की प्रीमियम दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंश्योरेंस कंपनी विल सेट अप द रिमोट सेंसिंग लैब फॉर क्रॉप इंश्योरेंस? तो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी एक रिमोट सेंसिंग लैब को सेटअप करेगी क्रॉप इंश्योरेंस के लिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ एग्रीड टू कॉपरेट विथ विच बैंक फॉर €600 million रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग प्रोग्राम फॉर सपोर्टिंग लार्ज स्केल सोलर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द कंट्री? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने इनमें से कौन से बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि वो 600 मिलियन यूरो देगा ताकि कंट्री के अंदर, यानी इंडिया के अंदर, लार्ज स्केल सोलर इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको सपोर्ट मिल सके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये एग्रीमेंट करा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ. यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका हेडक्वार्टर है कर्चबर्ग, लग्जमबर्ग में. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता ही है, मुंबई महाराष्ट्र में. हु इज़ अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस? तो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के MD और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिद्धार्थ रथ. देखो, ये अपॉइंट हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस के, जो इंडिया की ब्रांच है उसके. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस ने अपनी 4 सब्सिडी खोल रखी थी इंडिया के अंदर, और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस को ये अप्रूवल दे दी है कि वो अपनी इंडिया की सब्सिडी, यानी स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस इंडिया के साथ मर्ज हो सकती है. ठीक है, इसके साथ साथ RBI ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस इंडिया को शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह काम करने की परमिशन दे दी है. और ये जो परमिशन RBI देता है, ये देता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Organization for Economic Cooperation and Development has stated that India's economic growth will slow down somewhat but remain robust at what percent in 2019 and 20 and its economic outlook 2018 report. तो OECD ने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितनी बताई है 2019 और 2020 के लिए, उसकी रिपोर्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटलुक 2018 रिपोर्ट. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7.5%. ये भी ध्यान रखना आप कि OECD का जो रिपोर्ट है उसका नाम होता है इकोनॉमिक आउटलुक, और OECD जो है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सैंक्शनड मुद्रा लोन्स अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ग्रू फास्टर देन डेट ऑफ बैंक्स इन फाइनेंशियल ईयर 2018 एज पर द 2017-18 एनुअल रिपोर्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना विच वॉज द टॉप लैंडर अमंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रिपोर्ट जो 2018 की थी, उसके तहत इन्होंने ये बताया है कि मुद्रा लोन्स देने में सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो दिखाया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने, जो कि हमारे PSU बैंक्स हैं उनसे भी ज़्यादा है. अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है उनमें से कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सबसे ज़्यादा लोन दिया है? तो इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर टू AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब देखो इसके बारे में एक एक चीज़ आपको ढंग से ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग NBFC ने 27,000 करोड़ का लोन दिया है और जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने दिया है 92,492 का लोन। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने ज़्यादा लोन दिया है NBFC से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुई है यानी कि पिछले साल से इस साल की जो ग्रोथ देखें तो वो दिखाई है सबसे ज़्यादा NBFCs ने, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोन दिया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और जो हमारे स्टेट रन बैंक्स हैं यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा लोन दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद आता है कैनरा बैंक और फिर पंजाब नेशनल बैंक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? देखो ये जो स्कीम है ये चालू हुई थी अप्रैल 2015 में। ये स्कीम इसलिए लॉन्च करी थी ताकि जो हमारे स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको लोन दिया जा सके। और इस स्कीम के अंडर लोन कौन कौन देते हैं? हमारे PSU बैंक्स देते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स देते हैं, कॉपरेटिव बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, और यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आएगा। तो ये सब लोग इस स्कीम के अंडर लोन्स देते हैं। अब ये जो लोन है अगर आपको नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए तो आपको मिलता है 10 लाख तक का लोन, अगर फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए तो 10 लाख से कम का लोन मिलता है। अब देखो ये जो लोन है ये डिवाइड कैसे होता है। सबसे पहली चीज़, अगर 50,000 तक का लोन आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं शिशु लोन। उसके बाद अगर 50 से 5 लाख तक का लोन आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं किशोर। 5 लाख से 10 लाख तक का लोन अगर आपको चाहिए तो उसको बोलते हैं तरुण। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, द चीफ विजिलेंस कमिश्नर गाइडलाइंस एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इनमें से कौन से बैंक को RTI एक्ट के अंडर रख दिया गया है चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देखो हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सब RTI के अंडर आते हैं, तो अब चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने ये बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी अब एक PSU की तरह ही ट्रीट होगा और इसलिए इसको RTI एक्ट के अंदर डाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च विच पोर्टल, अ सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन बैंक लोन्स टू बेनिफिशरीज अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के अंदर जो बेनिफिशरीज है उनके लिए एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पैसा। पैसा जो है उसके फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है अलाहाबाद बैंक ने जो कि इसका नोडल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द चेयरपर्सन ऑफ द हाई लेवल एम्पावर्ड कमिटी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट इन जुलाई 2018 विच हैज़ रिलीज्ड इट्स रिकमेंडेशंस फॉर स्ट्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेस थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दी है। अब तो उस कमेटी के हेड कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 PK सिन्हा। PK सिन्हा जो है वो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो वो इस कमेटी के हेड थे और अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है या रिकमेंडेशन जो है वो गवर्नमेंट को बता दिए हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं लाऊंगी दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।